जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नई टर्म देखने वाले हैं जिसका नाम है डम एजेंट थियरी। अब डम एजेंट थियरी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड लेते हैं, उसी के साथ साथ कैसे एक्सपीरियंस लेकर हम किसी भी नतीजे पर पहुँचते हैं और किस तरीके से जो दूसरे लोग हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डम एजेंट थियरी। तो हम डिटेल में इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर हम सोशल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आसानी से जो डिसीजंस है वो ले सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर एग्ज़ाम में भी ये टर्म पूछी जाती है तो भी हम आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और ये हिंदी वीडियो है, इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डम एजेंट थियरी ये हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन डम एजेंट थियरी ये हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये रेफर करती है एक ऐसे हाइपोथेसिस को जहां पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ग्रुप में अगर लिया जाता है, ग्रुप के द्वारा अगर लिया जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी वाइज होता है, रैदर दैन अगर कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो। मतलब यहाँ पर अब राहुल गांधी साहब जो है, अगर वो कहीं पर कोई डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि वो डिसीजन इतना वाइज ना हो, और अगर वही एक ग्रुप मतलब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लोग मिलाकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि वो डिसीजन काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो, वो डिसीजन काफ़ी वाइज हो और वो डिसीजन काफ़ी अच्छा हो। इसे ही हम कहते हैं डम एजेंट थियरी। मतलब कोई भी ग्रुप अगर डिसीजन कोई लेता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रैदर देन अगर कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है तो। अब ये लिया जाता है, ये यूज़ किया जाता है विजडम ऑफ क्राउड नॉलेज को एम्फेसिस करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनके कोई एक्सपीरियंस रहे होंगे लाइफ में, इनके कोई डिसीजन मेकिंग में कुछ फेलियर्स कुछ सक्सेस रही होगी, तो ये सब कुछ ये अपने इस डिसीजन में झोंक देंगे। उसी के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग डिसीजन मेकिंग पावर होती है, अलग अलग विजडम होता है, तो ये सब जब ग्रुप बन जाते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है, और जब मुट्ठी बनती है तो फिर अच्छे डिसीजन लेने में काम आते हैं। अगर अकेले डिसीजंस लेते हैं, अकेले कोई कुछ चीज़ बोलते हैं तो कैसे ब्लंडर्स हो सकते हैं, ये शायद आपने सुना ही होगा। तो ये जो डम एजेंट थियरी है ये लाई गई थी इन सपोर्ट ऑफ इफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस। देखिए कोई भी मार्केट होता है, अब उस मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं उसके जो भी वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो आगे पीछे होती रहती है, उसकी जो प्राइजेस होती है वो। तो यहाँ पर जो भी अकेला अगर कोई इससे रिलेटेड डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन हो सकते हैं कि वो फेलियर हो जाए, क्योंकि उसे इतना नॉलेज नहीं हो सकता है कि जो प्राइजेस है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप में डिसीजन लेता है कि किस तरीके से हमें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसके प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, तो हो सकता है कि जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। जो मार्केट है उसका प्रिडिक्शन करने के लिए ये चीज़ जो है काफ़ी काम आती है डम एजेंट थियरी। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो मार्केट है वो किस तरीके से जाने वाला है, कितना फ्लक्चुएट होने वाला है, कौन सी चीज़ की वैल्यू बढ़ने वाली है, कौन सी चीज़ की वैल्यू कम होने वाली है। तो जो अकेला रहेगा, अकेला अगर कोई इंसान डिसीजन लेता है तो इतना वाइज नहीं रहेगा, लेकिन अगर ग्रुप में अगर क्राउड आता है तो क्राउड का जो विजडम है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये आइडिया जो है ये कंसेप्चुअलाइज की गई थी अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स सुरोविकी ने। तो ये इंसान भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।